प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान इंडिया समिट में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर पहुंचे हैं। यहां पर प्रधानमंत्री ने फिनटेक फेस्टिवल में की नोट भाषण में दिया है और साथ ही प्रधानमंत्री मंगलवार देर रात को ही सिंगापुर रवाना हुए थे। सिंगापुर पहुंचकर उनका वहां जोरदार स्वागत किया गया। फिनटेक फेस्टिवल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं ने आज दुनिया को अपनी तकनीकी की शक्ति दिखाई है। ये इवेंट इसी शक्ति को दिखाता है। मैं अपने देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसे यहां की नोट भाषण देने का मौका मिला है। यहां से ही हमने रुपे कार्ड की शुरुआत की थी। हमने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल की मदद से हमने अपने हजारों करोड़ रुपए बचाए जो लीकेज में बर्बाद होते थे। मोदी ने कहा कि भारत में आर्थिक क्रांति आ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया तकनीकी के जरिए काफी जल्दी बदल रही है। उन्होंने कहा कि आज सरकार चलाने का तरीका बदल रहा है, गवर्नेंस में अब तकनीकी हावी हो रही है। 2014 में जब हमारी सरकार आई तो हमने भारतीयों को तकनीकी से जोड़ने का लक्ष्य रखा। This is a tribute to the youth of India, with its eyes firmly fixed to the future. It is an acknowledgement of the financial revolution sweeping through India and transforming the lives of 1.3 billion people. Today, I will have the honor to launch a global platform to connect fintech firms and financial institutions, beginning with ASEAN and Indian banks and fintech companies. India and Singapore are also working to connect Indian and ASEAN small and medium enterprises anchored on an Indian platform and expand it globally.